1993 में एक फिल्म आई थी रंग, दिव्या भारती की आखिरी नामलेवा फिल्म, जो उनकी बालकनी से गिरकर हुई ट्रैजिक मौत के तकरीबन 3 महीने बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म की मुख्य जोड़ी थी दिव्या भारती और कमल सदाना। दोनों ही नाम भीषण ट्रैजेडी की याद दिलाते हैं। दिव्या भारती तो असमय दुनिया छोड़कर खुद ट्रैजेडी बन गई, लेकिन कमल सदाना के जीवन का एक दर्दनाक पहलू बहुत कम लोगों को पता है। 21 अक्टूबर 1990 कमल सदाना का 20वां जन्मदिन। अमूमन सालगिरह का दिन खुशियां लेकर आता है, कमल के लिए आया भी, लेकिन रात होते होते एक दर्दनाक याद में तब्दील होकर रह गया। कमल के पिता ब्रज सदाना प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके थे। उनकी बनाई विक्टोरिया नंबर 203, यकीन और प्रोफेसर प्यारेलाल जैसी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। पैसे भी ठीक ठाक कमा लिए थे उन्होंने। ऐसा भी नहीं था कि घर में कोई कलह हो, इसलिए ये आज तक रहस्य है कि उस दिन उन्होंने जो किया उसके पीछे क्या वजह थी। क्या उस रात हुए उस छोटे से झगड़े ने वो वारदात ट्रिगर की थी जो उनका कमल की माँ सईदा खान से हुआ था। जन्मदिन की पार्टी ठीक ठाक गुजर गई, सब सही था, फिर अचानक ब्रज सदाना और सईदा के बीच झड़प होने लगी। छोटी सी झड़प का अंत भयानक था। ब्रज सदाना ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और सईदा को गोली मार दी। अपनी बेटी नम्रता पर भी गोली दाग दी। दोनों की तत्काल मौत हो गई। उसके बाद कमल पर भी गोली चलाई जो उनके गले को छूते हुए गुजर गई। आज भी उस पल को याद करके कमल सिहर जाते हैं। खून खराबा करने के बाद आखिरकार ब्रज सदाना ने खुद को भी गोली मार ली। एक नामालूम सा झगड़ा 3 जिंदगियां लील गया। उस घटना को याद करते हुए कमल महेश भट्ट का एक कोट दोहराते हैं, हर किसी के अंदर बिजली का एक नंगा तार झूल रहा होता है, कुछ कम नसीब उसको छू बैठते हैं और भयानक झटके से मर जाते हैं। अपने पिता की उस हौलनाक हरकत को वो इसी नंगे तार को छू जाना मानते हैं। कमल ने हाल ही में सिद्धार्थ करण को दिए इंटरव्यू में भी इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त हरी भी वहाँ मौजूद था। कमल ने मदद के लिए अपने पड़ोसी को बुलाया। वो अपनी माँ और बहन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने देखा कि उनकी पूरी शर्ट खून से सनी हुई है। कमल को तब तक इस बात का एहसास नहीं था कि उन्हें भी गोली लगी है। डॉक्टर ने चेक किया तब पता चला कि गोली उनकी गर्दन के आर पार निकल चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि इस हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आपको दूसरे हॉस्पिटल जाना होगा। कमल अपनी माँ और बहन को वहाँ छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल गए। उनका इलाज हुआ, एनेस्थीसिया दिया गया। कमल बताते हैं कि उठने के बाद उन्हें पता चला कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। उस घटना ने कमल सदाना को तोड़ कर रख दिया। वो गहरे अवसाद में चले गए, लेकिन जल्द ही रिकवर भी कर गए। 2 साल बाद ही वो बतौर एक्टर अपनी पहली फिल्म की रिलीज के प्रीमियर में बैठे थे। फिल्म का नाम था बेखुदी और उनकी हीरोइन थी काजोल। फिल्म कुछ खास नहीं चली, बिल्कुल कमल के करियर की तरह। उनका फिल्मी करियर कोई खास नामलेवा नहीं रहा, बल्कि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर रंग के गाने ना होते तो कमल सदाना हिंदी सिनेमा के दर्शकों को याद भी ना रहते। रंग के मधुर संगीत की वजह से कमल सदाना को पहचानने वाले आज भी मौजूद हैं। जी टीवी के पॉपुलर शो कसम से में काम किया, फिर कुछ एक फिल्में भी बनाई, अपने पिता के फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 का रीमेक भी बनाया। साल 2014 में उनकी फिल्म रोर आई थी जो कि सुंदरबन के टाइगर्स पर थी। रोर के बाद वो लंबे समय तक फिल्मों से दूर हो गए। वापसी हुई साल 2022 में। रेवती ने सलाम वैंकी नाम की फिल्म बनाई, लीड रोल में काजोल और विशाल जेठवा थे। आमिर खान ने कैमियो किया। इस फिल्म के जरिए काजोल और कमल ने एक बार फिर स्क्रीन शेयर की। फिल्म के सेट से एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जहां काजोल पहले दिन कमल से मिली। काजोल ने इस बारे में कहा था, पहले 5 से 10 मिनट तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं बस चिल्लाती रही। वो बहुत अच्छा अनुभव था। हम बीच बीच में मिलते रहे हैं और एक दूसरे के काम वगैरह के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके साथ फिर काम करना बढ़िया था। कमल ने काजोल से सरप्राइज मीट पर कहा था, काजोल के साथ फिर से शूटिंग करके मुझे बेखुदी वाले दिन याद आ गए। वो लगातार बोलती रहती हैं और मुझे अपनी कुर्सी खिसकानी पड़ गई। ये उन्होंने हंसते हुए कहा था। सलाम वैंकी के बाद वो पेप्पा में भी नजर आए थे। फिल्म में कमल ने इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का रोल किया था। क्या आपको कमल सदाना का वो गाना तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं याद है, तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।